दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। 48 साल बाद फिर लौटा है मंकी पॉक्स। क्या आप जानते हैं कौन से जानवरों से फैलता है इसका वायरस? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस समय भारत समेत दुनिया के कई देशों में जीका वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि समय पर रोग के लक्षणों पर ध्यान देने की और इलाज लेने की जरूरत है। सिर्फ गर्भवती महिलाओं में इसका संक्रमण खतरनाक हो सकता है जिससे जन्म लेने वाले शिशु के मस्तिष्क का आकार संक्रमण के कारण छोटा रह जाता है। वायरस से फैलने वाली बीमारियों की कड़ी में एक और बीमारी मंकी पॉक्स के रूप में जुड़ गई है। इसके 3 मामले इंग्लैंड में सामने आए हैं। ये बीमारी बंदर, गिलहरी और चूहों में पाई जाती है। इनसे बीमारी मनुष्यों में फैलती है। 2017 में नाइजीरिया में इसके लक्षण देखे गए थे। 1970 में पहली बार अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 वर्षीय बच्चे में इसे पहचाना गया था। हालांकि वायरस जनित ये बीमारी अभी खतरनाक नहीं मानी जा रही है क्योंकि किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। इसे लेकर दुनिया भर के डॉक्टर्स चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका संक्रमण फैल जाएगा। 2003 में अमेरिका में बड़े गैम्बियन चूहे मंकी पॉक्स से ग्रस्त पाए गए थे। दोस्तों मंकी पॉक्स में मरीज को तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में सूजन आ जाती है। बुखार के 3 दिन लाल चकत्ते बनने लगते हैं जो कुछ ही समय में घाव का रूप लेते हैं। इसके लक्षण 2 या 3 सप्ताह तक रहते हैं। इस बीमारी का कोई टीका नहीं है। बच्चों में बीमारी घातक हो सकती है। मंकी पॉक्स के ज्यादातर केसेस में ये कुछ हफ्तों बाद खुद ही ठीक हो जाता है क्योंकि वायरस के शरीर में सक्रिय रहने का एक पीरियड है जिसके बाद उसका असर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन इलाज लेना जरूरी है। लापरवाही से होने वाला संक्रमण स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया।